जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो जैसा कि आप सभी ने इस वाली थंबनेल में देख लिया होगा कि आप सभी की जो बोर्ड एग्जाम 24 अप्रैल से होने वाला था उसकी डेट अब टल चुकी है। कब से हुई डेट या क्यों टली, क्या कारण था, ये सारी चीजें अगर आप जानने चाहते हैं या कब से होगा आपका पेपर, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज हम सभी इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव यानी कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने वाले हैं, जिसमें जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत के चुनाव होना सुनिश्चित है। तो आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव चार चरण में होने हैं, जिसमें से तीन चरण चुनाव का जो तीन चरण है वो 23 अप्रैल को समाप्त होगा और जो चौथा चरण है वो 23 अप्रैल के बाद यानी कि सब लगभग 29 या 27 28 अप्रैल तक चलने वाला है। आप सभी इस बात को भलीभांति जानते हैं, नहीं जानते तो मैं आप लोगों को बता दूं। और आप एक बात और विधिवत जानते हैं कि चुनाव किसी न किसी प्रकार से बिल्कुल फिक्स बात है कि आपके बोर्ड को इफेक्ट करता ही करता है, क्योंकि चुनाव में जो आपका जो पोलिंग बूथ होता है वहां पे जो ड्यूटी लगती है वो टीचर्स की लगती है। आप सभी जानते हैं कि आपके जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर होंगे उन्हीं की ड्यूटी वहां पे लगाई जाती है। तो अगर चौथे चरण का चुनाव ही नहीं कंप्लीट हुआ होगा तो टीचर्स की ड्यूटी वहां से हटाई भी नहीं जा सकेगी, तो वो आपका पेपर कैसे करवाएंगे। तो कल इसी बात को लेते हुए, संज्ञान में लेते हुए, कल आपके चुनाव आयोग की और आपके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड की एक मीटिंग थी, जिसमें अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। कहीं भी अभी ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कि आपकी परीक्षा टल गई है, कभी भी कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है कि परीक्षा टली है अभी या नहीं टली है। लेकिन चुनाव होना फिक्स हो गया है कि 29 अप्रैल तक सभी चुनाव 27-28 अप्रैल तक निपट जाने हैं, चार चरण में होगा, ये फिक्स है। तो चुनाव आयोग ने बोर्ड से कहा कि आप परीक्षा को टाल दीजिए, और ये कहे या ना कहे परीक्षा टलना है ये निश्चित है। चाहे मैं कहूं कि आप लोग, मैं लिख दूं यहां पे 100% गारंटी ले रहा हूं इस बात की कि जो 24 अप्रैल APR 2021 से परीक्षा होना था वो अब टलेगी ही टलेगी, ये मेरी 100% आप, मैं सिग्नेचर अपना बना रहा हूं, देखिए 100% टलेगी ही टलेगी, क्योंकि अब 24 अप्रैल से जो एग्जाम करवाना पॉसिबल नहीं है, ये एग्जाम अब आपका डेफिनेट है कि मई में ही जाएगा, मई के प्रथम सप्ताह या दूसरे सप्ताह में करवाया जा सकता है, लेकिन अब ये आपका एग्जाम मई से ही होगा, ये बिल्कुल डेफिनेट है। हालांकि इस बात को लेकर अभी बोर्ड द्वारा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं की गई है, तो इसलिए आप लोग अफवाहों के चक्कर में मत पड़िएगा, कोई बिना किसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अपनी तैयारी को जारी रखिएगा। जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आज ना जाए तब तक आप जिस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं करते रहिए, क्योंकि आप जो तैयारी करेंगे वही पेपर में लिखेंगे। बोर्ड परीक्षा टलेगी ये फिक्स है, मैं आप लोग मेरे से जुड़े रहिए, मैं आपको इससे रिलेटेड अपडेट रेगुलर देता रहूंगा, ठीक है। और मैंने अपने इस चैनल पर काफी क्लास की वीडियो भी अपलोड कर रखी, जैसे फिजिक्स, मैथ वगैरह वगैरह की, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। इंग्लिश की भी वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, उसको भी देख सकते हैं और उसका भी लाभ ले सकते हैं। तो ऐसे ही नए वीडियोस की अपडेट को जानने के लिए आप लोग अंश 5G अकेडमी के साथ जुड़े रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है इस बात को नोट रखिएगा, मैं बिल्कुल अपने तजुर्बे के आधार पर 100% बता रहा हूँ कि परीक्षाएं टलना ही है, बिल्कुल फिक्स है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।